अनबिलीवेबल हुआ है मुझे क्या अनबिलीवेबल। अरे अरे अंकल को मिर्गी का दौरा पड़ गया, अरे चप्पल सुंगा अंकल को। ओए ओए नहीं वा, ओए ओ नहीं, ओ भागो। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी कोनी वीडियो में। कैसे हैं आप? तो दोस्तों अभी मैंने टाइगर शॉफ का नया नया रिलीज हुआ सॉन्ग देखा है जिसका नाम है अनबिलीवेबल। और भाई साहब ये सॉन्ग देख के मैं इस सॉन्ग के मेकर्स और टाइगर श्रॉफ को एक ही बात कहना चाहता हूँ, विक्स की गोली लो, हिचकिच दूर करो। क्योंकि दोस्तों टाइगर श्रॉफ इस सॉन्ग के अंदर कहर ढा रहे हैं भाई साहब, उनकी पर्सनैलिटी निकल के आ रही है इस सॉन्ग के अंदर। लेकिन उनकी आवाज सुन के इस सॉन्ग के अंदर ऐसा लगता है कि भाई तुम्हें सॉन्ग की नहीं कफ सिरप की सख्त जरूरत है। और दोस्तों लग ही नहीं रहा था कि ये सॉन्ग टाइगर श्रॉफ ने गाया, क्योंकि टाइगर श्रॉफ की वॉइस में थोड़ा दम है, उसकी वॉइस में थोड़ा भार है। लेकिन भाई साहब इस सॉन्ग में जो पतली सी वॉइस चलती है सुन के तो ऐसे ही लगता है कि जिसने भी ये सॉन्ग गाया है उसके गले में बलगम जमी हुई है, और भाई साहब वो बलगम कभी भी फट के बाहर निकल सकती है। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, कभी भी कोई स्पेशल सॉन्ग रिलीज होता है उस सॉन्ग की एक स्पेशल स्टोरी होती है, और इस सॉन्ग की भी एक स्टोरी है। लेकिन मुझे वो स्टोरी एकदम कॉमेडी सी लगी भाई साहब, मुझे तो देख के हंसी आ रही थी। तो दोस्तों स्टोरी कुछ ऐसी है कि जो टाइगर श्रॉफ है वो होटल मैनेजमेंट स्टाफ का एक वेटर है, और टाइगर श्रॉफ को एक लड़की से प्यार हो जाता है, और वो लड़की भी उसी होटल मैनेजमेंट स्टाफ की वेटर है। तो भाई साहब वो जो टाइगर श्रॉफ होता है वो उस लड़की के आड़े आता है, दोनों में भाई साहब नोक झोंक होती है, फिर दोनों में लव हो जाता है, प्यार हो जाता है, फिर दोनों एक कमरे में जाते हैं और रोमांस करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे कॉमेडी की बात जानते हैं क्या है? लड़का और लड़की मतलब टाइगर श्रॉफ और वो लड़की कमरे में जाते तो हैं, लेकिन वहाँ पे उनका रोमांस नहीं होता। लड़की एक टेबल के कोने पे बैठी हुई होती है, और टेबल के बीचों बीच टाइगर श्रॉफ मुजरा कर रहा होता है, और मुजरा नहीं सॉरी डांस कर रहा होता है। अरे भाई कहाँ से सोच लेते हो ऐसी स्टोरी, अरे कमरे में भेजा है कम से कम रोमांस तो करने दो। लेकिन नहीं, वहां पे भी टाइगर श्रॉफ को तुम्हें डांस करवाना है, उसको ढूंढके लगवाने है, क्या होता है ये यार। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको ऑनेस्टली कहूँ ना, बोल दिया इंग्लिश का वर्ड ये। तो दोस्तों टाइगर श्रॉफ इस सॉन्ग में भाई साहब जबरदस्त लग रहा है, उसका एकदम बैचलर्स वाला लुक निकल के आ रहा है। अगर टाइगर श्रॉफ को ऐसा लुक स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में दिया होता ना तो शायद वो मूवी कुछ चल भी जाती। और दोस्तों इस सॉन्ग के जो लिरिक्स है ना, इतने जबरदस्त लिरिक्स नहीं है, लेकिन इस सॉन्ग की जो मेन लाइन है अनबिलीवेबल, वो लाइन जबरदस्त है। उस लाइन को तो सुन के एकदम रूस ही खड़ी हो जाती है यार। और दोस्तों इस सॉन्ग का म्यूजिक एकदम भाई साहब घटिया किस्म का म्यूजिक, पसंद ही नहीं आ रहा, कान में चुभ ही जा रहा था। मैंने लीड लगा के सुनने की कोशिश करी ये सॉन्ग, लेकिन 30 सेकंड के बाद मेरे कान तो बजने जो शुरू हुए हैं, मैंने लीड निकाली और ऐसे ही सुन लिया। सोचिए कैसा म्यूजिक होगा फिर तो। तो दोस्तों हमारे छपरी चाचा इस सॉन्ग के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तो दोस्तों आइए जानते हैं क्या कहना चाहते हैं आखिरकार छपरी चाचा। बोलिए छपरी चाचा। देखिए यतिन जी, सॉन्ग के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, साला समझ ही नहीं आया, सॉन्ग पूरा का पूरा इंग्लिश में था, ऊपर से निकल गया। लेकिन हम टाइगर श्रॉफ लौंडे के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, साला कमाल का लौंडा है, जा डांस करता है, आय हाय 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 मजा आ जाता है, ले लटक मटक के दिल मनमोहित कर देता है। जब लड़ने पे आता है ओह क्या उड़ उड़ के मारता है, सुड़ सुड़ के मारता है, एकदम दुश्मन की पसलियां तोड़ देता है यार। और लास्ट बात कहना चाहेंगे इस सॉन्ग के बारे में, वो लड़की बड़ी कमाल की थी जो सॉन्ग में थी, वाह मजा आ गया, हम तो पूरा सॉन्ग उसी को ही देखते रहे, सॉन्ग की तरफ तो ध्यान ही नहीं गया। ठरकी चाचा भाग। तो दोस्तों ओवरऑल मेरे हिसाब से अनबिलीवेबल एक डिसेंट सा, एक एवरेज सा, ठीक ठाक सॉन्ग है। और अगर आप टाइगर श्रॉफ के सच्चे वाले फैन हैं, मैं भी हूँ, तो इस सॉन्ग को 3 से 4 बार देखिए और इस सॉन्ग को वायरल करवा दीजिए। तो दोस्तों ये था मेरा सॉन्ग रिएक्शन इस अनबिलीवेबल का। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वो जो बेल आइकन है उसको ऑल पे रखें, जैसे ही कि मैं आगे इंटरेस्टिंग वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके पास आए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, टाटा गुड बाय, टेक केयर।